देखो एक्सरे में जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं ठीक है ना वो क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व से ठीक है ना इंटेंसिटी और जो हम लोग पोटेंशियल का कर्व बनाते हैं या इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो कर्व होता है वहां से क्वेश्चन अपने पास आते हैं ठीक है जो कंटिन्यूस एक्सरे का जो ग्राफ बनता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ से लेके या फ्रीक्वेंसी और ऐसे बहुत सारे रिलेशन आते हैं तो वहां से आता है अपने को ठीक है ना और एक लास्ट में मोजली लॉज होता है वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं देखो एक्सरे में कहानी आ, क्या है वो समझो ठीक है एक्सरेज ठीक है देखो सबसे पहले क्या होता है एक्सरे क्या होता है तुमने सुना होगा कि एक मेडिकल यूज होता है जैसे मान लो किसी का हैंड फ्रैक्चर कर गया ठीक है ना या लेग फ्रैक्चर कर गया तो एक्सरे है कॉमन भाषा है भाई एक्सरे करा लो ठीक है ना इसका मतलब क्या है उसका पिन्यूट्रेशन जो इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है ठीक है इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा तो मैं वहां से बोल सकता हूँ कि जितने भी एक्सरेज होते हैं एक प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा ठीक है ना एक्सरे की कि सर उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा ठीक है जी और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो सर मैं वेवलेंथ पे कमेंट कर सकता हूँ कि कम होगा जी और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ कि सर उनका एनर्जी ना बहुत ज्यादा होगा जी ठीक है और एनर्जी हाई होगा तो वहीं वहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि सर उनका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है जी। ठीक है ना ठीक है? ठीक है? काफी ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट रहता है उनमें ठीक है ना उसके बाद जो एक्सरे को हम लोग मानते हैं कि अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं ठीक है अनचार्ज पार्टिकल्स तो अगर अनचार्ज पार्टिकल्स हैं तो तुम्हें पता है कि अगर मान लो मैं उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ये अपने को जी बात पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और क्यू वी क्रॉस बी से उस उससे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लेकिन अगर अनचार्ज पार्टिकल है तो नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मैं बोल सकता हूँ हाँ ना नो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये मैं बोल सकता हूँ उनका ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इनके अब मेन देखो इनमें क्या है प्रोडक्शन ठीक है ना कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लैब में ठीक है ना और प्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो फिर यहाँ से हम लोग सारे कर्व को समझ सकते हैं एक्सरे के ठीक है देखो प्रोडक्शन कैसे होता है ठीक है एक कुलीज कुलिस होता है तुमने पढ़ा होगा मे भी कहीं ना कहीं जी 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 है ना उसी से इसको एक्सरे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ना इसका सेटअप कैसे होता है थोड़ा सा देख लो आई थिंक ध्यान भी होगा तुम्हें कि यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे एक कॉपर बना लो ठीक है कॉपर प्लेट हो गया ठीक है यहाँ से हमारे पास क्या होता है एक टारगेट मेटल हम लोग बनाते हैं ठीक है ना इस टाइप का ठीक थी। है और इसको क्या करते हैं हम लोग एक एक्सलेटिन वोल्टेज से कनेक्ट करते थे ठीक है और यहाँ पे हम लोग फिलामेंट ऐड करते थे ठीक ठीक है है और वो ऐसे आता था ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करते थे एक फिलामेंट वोल्टेज के लिए यहाँ से एक सर्किट बनाते थे और यहां से ऐसा सिंपल एक ऐसे कनेक्ट कर देते थे ठीक है ना ये मैं तुम्हारे लिए मोजलिज uh, कुलिस का जो है ना कुलिस ट्यूब बना रहा हूँ एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता था ठीक है ना सिंपल एक्सपेरिमेंट ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते थे इसको सब कुछ को हम लोग जो सेटअप था उसको वैक्यूम में रखते थे ये पता होगा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसको वैक्यूम में हम रखते थे ठीक है? ठीक, है। ठीक है ठीक है इस टाइप का वैक्यूम ट्यूब ये वैक्यूम ट्यूब होता था थोड़ा बहुत आइडिया है क्या वैक्यूम ट्यूब क्यों रखते थे हम लोग um, कोई नहीं देखो अभी आ जाएगा समझ में तुम्हें ठीक है करते क्या थे देखो यहाँ पे ये यह क्या होता था एक्सलरेटिंग वोल्टेज होता था जी ठीक है और यहाँ पे इसको हम लोग फिलामेंट वोल्टेज बोलते हैं ठीक है ये फिलामेंट वोल्टेज होता है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको टारगेट मेटल हम लोग बोलते हैं ठीक है ना ये टारगेट मेटल होता है टारगेट मेटल का मतलब क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे ठीक है ये जो होता था ये कॉपर रॉड होता है ठीक है ना कॉपर रॉड एक रॉड होता है जो कॉपर का बना रहेगा ठीक है तो होता है क्या है इसमें ठीक है ना ये वैक्यूम है तुम्हें पता है ठीक है ना और यहाँ फिलामेंट होता था ठीक है देखो होता क्या है कि फिलामेंट वोल्टेज हम लोग देते दे थे, थे ठीक है तो फिलामेंट का जो क्या होता था रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है तो जैसे ही अगर मैंने फिलामेंट वोल्टेज वाला ये सर्किट ऑन किया मान लो ये वाला सर्किट ठीक है तो करंट फ्लो करेगा यहाँ से और करंट फ्लो करते करते इस फिलामेंट में जाएगा तो तो मान लो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है हीट प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा होगा आई स्क्वायर आर टी से है हाँ ना तो हीट प्रोड्यूस होता रहेगा तो हीट प्रोड्यूस जब ज्यादा होगा ज्यादा समय के बाद ज्यादा समय तक अगर हम लोग इस फिलामेंट वोल्टेज को सप्लाई करते रहे तो हीट प्रोड्यूस होगा और बहुत ज्यादा तो यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा ठीक है जी तो यहाँ से हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि भाई हीट बहुत ज्यादा हो गया है फिलामेंट में हमारे जी तो फिलामेंट में ज्यादा अगर हीट का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी ज्यादा हो गया और जब एनर्जी ज्यादा हो गया जी. तो फिलामेंट से निकल के भागेंगे तो जब फिलामेंट से निकल के भागते हैं तो इधर क्या होता है इधर हमारे पास क्या होता है मेटल होता है ठीक है ना टारगेट मेटल इसको बोलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं यहां से यहाँ पे आके टकराएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराया ठीक है अब देखना ध्यान से कि सर फिलामेंट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये देखो हमारे पास क्या है एक्सलेटिंग वोल्टेज एक्सलेटिंग वोल्टेज का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है तो इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ ठीक है तो उसका एक्सलरेशन इंक्रीज करेगा ये ठीक है ना तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है टारगेट मेटल की तरफ टकराने उसका और ज्यादा एनर्जी बढ़ा देगा वो एक्सलरेट कर देगा वो समझ में आ रहा है मान लो फिलामेंट से कोई इलेक्ट्रॉन निकला ठीक है किसी जी. एनर्जी के साथ निकला और मान लो इस वाले एंड पे मैं इसको और ज्यादा एनर्जी दे दूं तो और ज्यादा एक्सलरेट, तो एक्सलरेट कर देगा ज्यादा तो एक्सलरेट करेगा ये उतना ज्यादा तुम्हें पता है कि जब भी चार्ज एक्सलरेट करेगा तो ई एम एफ की कहानी आती थी अपने पास जी। तो जब चार्ज जितना ज्यादा एक्सलरेट करेगा उसका मतलब है उसके पास उतना ज्यादा एनर्जी आ गई तो यहां पे टकराया तो जब चार्जेस एक्सलेशन में होते हैं तो वहां से वेब प्रोड्यूस करते हैं वो तो वो तो किस टाइप की होती है? E टाइप की होती होती है है टाइप तो यही जो ये जो ये मेटल एक्सलरेट कर रहा है तो उसके एक्सलरेशन के कारण यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती है ठीक है फिर से समझते हैं इसको ठीक है कि सर क्या हुआ कि ये नॉर्मल सेटअप है आपके पास ठीक है फिलामेंट वोल्टेज मैंने बढ़ाया इस फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है ये जो फिलामेंट है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है हाई रेजिस्टेंस सर हाई रेजिस्टेंस से क्या फायदा है अपने को हीट ज्यादा प्रोड्यूस हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कम टाइम में तो हीट सर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो जो भी एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से निकलना शुरू करेंगे टारगेट मेटल की तरफ जाना शुरू करेंगे क्यों जाएंगे सर क्योंकि वहां पे भी हमारे पास ये वोल्टेज क्या है अगर तुम देखोगे तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ और अट्रैक्ट करेगा तो और ज्यादा एक्सलरेट करा देगा तो जब चार्जेज एक्सलेशन में होते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे ये बात अपने को में समझ में आ गया था ठीक है जी, जी. तो यहां से एक्सरे प्रोड्यूस होता है ठीक है अब हम लोग दो तीन चीजें सीखेंगे कि टारगेट मेटल ऐसा नहीं होता है कि टारगेट मेटल हम कोई सा भी मेटल हम लोग चूज कर लिए ठीक है टारगेट मेटल चूज करने के दो प्रॉपर्टीज तुम्हें समझना पड़ेगा ऐसा नहीं कोई आयरन ले लिया एल्यूमिनियम ले लिया कॉपर मतलब दूसरा ऐसे आप नहीं बता सकते हो। क्यूं? ये बार बार में आ रहा होगा तो उसके पास सर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना? जी।, जी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो हो सकता है कि सर आपका मेटल पिघल जाए अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो मेल्ट कर जाएगा सर आ रहा है समझ में इसीलिए जो टारगेट मेटल चूज किया जाता है जो टारगेट मेटल स्कुलिज ट्यूब में यूज किया जाता है उसके दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए जी ये समझ में आ रहा है क्यों हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए जी सर ठीक है दूसरा कि सर इसका हीट कैपेसिटी भी हाई होना चाहिए है हाँ ना जी

अगर मान लो मैं एक छोटा सा डाउट पूछूं कि यार ये जो एक्सलरेटिंग वोल्टेज है इसका काम क्या है, मतलब है, है।, है।, है। का यही काम है ठीक है अब देखो जी. अब दो तीन चीज हम लोग सीखेंगे इस प्रोडक्शन से कि एक्सरे जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ से कूलिज ट्यूब से जो एक्सरे बन रहा है वो किस तरीके की होगी जैसे क्वालिटी इसका क्या होगा एनर्जी क्या होगा ठीक है। जी। चलो आगे चलते हैं, यहाँ समझ में आ गया? जी सर ठीक है अब देखो जो क्वालिटी ऑफ एक्सरे है ठीक है क्वालिटी ऑफ एक्सरे वो देखो क्या होगा ठीक है, है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सरे क्वालिटी ऑफ एक्सरे ठीक है ना सिंपल है समझना है इस चीज को मान लो मैंने फिलामेंट वाला करंट फिलामेंट में जो करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि वोल्टेज फिलामेंट वोल्टेज मैंने सप्लाई किया और इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो मैं फिलामेंट वाले सर्किट का करंट आराम से निकाल सकता हूं हाँ या ना जी जी सर तो अगर मान लो कि मैं फिलामेंट करंट इंक्रीज करूं ठीक है अगर मान लो मैं फिलामेंट का करंट इंक्रीज करूं जी सर ठीक है तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा होगा फिलामेंट से वो ज्यादा इंक्रीज ज्यादा मतलब निकलेगा फ़िलामेंट से और इलेक्ट्रॉन का एमिशन अगर ज्यादा होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यानी मतलब लाइट वाले जो फोटो होंगे वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे होंगे या मैं ऐसे बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन्स या जो फोटॉन्स निकल रहे हैं अपने फिलामेंट से वो ज्यादा निकलेंगे ये बोल सकता हूं मैं जी तो जी सर अगर तुम फिलामेंट करंट की जी सर वैल्यू बढ़ाओगी तो इसका मतलब क्या है भाई जो एक्सरे बन रहा है जो एक्सरे बन रहा है यहाँ पे मान लो मैंने फिलामेंट करंट की वैल्यू बढ़ा दिया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो ज्यादा हाई एनर्जी से यहाँ पे टकराएगा yes, और ज़्यादा हाई एनर्जी से अगर टकराएगा तो जो एक्सरे बन रही होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी भाई ज्यादा होगी इंक्रीज करेगी Increase करेगी, बिल्कुल सही बात है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मुझे अगर जी. एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ानी है सर तो मैं फिलामेंट करंट बढ़ा के ये बात कर सकती हूँ जी ठीक है है ये क्लियर पॉइंट सर तो फिलामेंट करंट मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ तुम्हें डायरेक्टली बताएगा कि भाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे क्या है इंटेंसिटी ऑफ जी सर एक्सरे ठीक है से मैंने पहला पॉइंट बता दिया तुम्हें ठीक है अब देखो दूसरे पॉइंट में अगर मुझे समझना है तो लेट से एनर्जी की हम लोग बात करते हैं ठीक है एनर्जी की हम लोग बात करते हैं कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना एनर्जी हो सकता है ठीक है तो एनर्जी एनर्जी okay, का, का ये सीन है कि देखो सर जो आप यहां से इस चार्ज को एक्सलेट करते हो मान लो यहां पे एक्सलेटिंग वोल्टेज मान लो मैंने वी नॉट बोल दिया ठीक है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी ई वी नॉट जी और ज्यादा सारा का सारा एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा क्योंकि मोशन कर रहा है हम्म और ये एनर्जी, ये एनर्जी दो तरीके दो तरीके से यूटिलाइज हो सकती है जी सर जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा होगा फिलामेंट से मैंने एक्सलेटिंग वोल्टेज से वी नोट कर दिया तो उसमें और एनर्जी आ गई नॉट तो वो एनर्जी दो तरीके से यूज हो सकती है सर एक तो जब मेटल पे टकराएगा इलेक्ट्रॉन्स मेरा तो एक तो सर हीट प्रोड्यूस कर सकता है कुछ एनर्जी हीट में जाएगी और कुछ एनर्जी एक्सरे में बनाने में जाएगी तो ये जो भी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट कर रहे हैं जब वो मेटल पे टकराएंगे तो उनकी एनर्जी दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सर कुछ एनर्जी हीट में जा रही होगी और कुछ एनर्जी से एक्सरे वो लोग प्रोड्यूस कर रहा होगा आया ना? Yes, sir. ठीक है ये बात अपने को समझ में आ रहा है ठीक है कि मैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट करूंगा मतलब जितना ज्यादा करूंगा तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी sir. बन रही होगी एक्सरे जो एक्सरे बन रही होगी उसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे क्योंकि अपने पास दो ही तरीके की एनर्जी है एक तो हीट में जाएगी और एक्सरे में जाएगी समझ में आ रहा है रहे yes, sir. तो अगर मैं एक्सलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि सर जो एक्सरे की एनर्जी yes. होगी वो भी एक्स... इंक्रीज करेगी वो भी इंक्रीज करेगी ठीक है और जब एक्सरे की एनर्जी इंक्रीज होगी फर्स्ट बिल्कुल पहली बार है कि देखो यहां पे जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो जितना ज्यादा एनर्जी होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा सिंपल तो तो जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज्यादा एक्सरे की एनर्जी निकलेगी और ज्यादा एक्सरे एनर्जी है तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो और ज्यादा होगा आया समझ में yes, तो क्वालिटी ऑफ एक्सरे दो तरीके की हम लोग पढ़ सकते हैं देखो सर अगर आप फिलामेंट करंट बढ़ाओगे तो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी अगर सर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो जो एक्सरे हैं उनकी एनर्जी सर बढ़ेगी तो एनर्जी और इंटेंसिटी पे हम लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं ये ध्यान रखना तुम तो, कि करंट से इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हम लोग एक्सरेज की और एक्सरेटिंग वोल्टेज बढ़ा के एक्सरे की एनर्जी हम लोग बढ़ाते हैं ठीक है यस yes, सर ठीक है कंटिन्यूस एक्सरे तुम्हें पता है क्या क्या होता है दो तरीके के एक्सरे हमारे पास कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक कुछ आइडिया है डू हैव एनी आइडिया वो कंटिन्यूस एक्सरे सब कंटिन्यूस पता नहीं पता कैरेक्टरिस्टिक हम पूछ रहे ओके देखो कंटिन्यूस पहले देखते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लोगे तुम कंटिन्यूस रेज ठीक है ना देखो इसको कंटिन्यूस रे क्यों बोला जाता है ठीक है मान लो यहां से जो तुम्हारा फिलामेंट था मान लो अगर मैं छोटा डायग्राम बनाऊ तो ये तुम्हारा फिलामेंट था हाँ ना? यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था ठीक है ना और इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो ये तुम्हारा मेटल था ठीक है ये मेटल था टारगेट बोल सकती हो तुम तो, टारगेट मेटल इस टारगेट मेटल में वो इंटर कर रहा है ठीक है इंटर कर रहा है ठीक है ना अब देखो जैसे ही टारगेट मेटल में इंटर करेगा तो इसको क्या मिलेगा रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि यहां पे बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स जी सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जैसे यहाँ पे इंटर करेगा तो इसको एक रेजिस्टेंस पैदा होगा ठीक है और जितनी देर इसमें रहेगा तब तक इसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा जी तो इसको कंटिन्यूस डीएक्शन मिल रहा है समझ में आ रहा है कि सर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकला इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है टारगेट मेटल में एंटर किया ये जैसे ही टारगेट मेटल में सर एंटर किया ये तो यहाँ के मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ऑफर करेंगे रेजिस्टेंस इसको आगे नहीं जाने देंगे ये टकराएगा तो उससे क्या मिलेगा इसको कंटिन्यूस डी मिलेगा ठीक है ना इस सिचुएशन में जब इस इलेक्ट्रॉन को जो इंटर कर रहा है इसको कंटिन्यूस डी मिल रहा है तो इस सिचुएशन में जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है सो दो टाइप ऑफ एक्सरेज आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सरेज आया समझ में जी सर क्या लिखोगी कि कंटिन्यूअस तुम अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है दैट्स इसको कंटिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं ठीक है ना इसको मिल okay. रहा है कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टारगेट मेटल ऑफर्ड बाय टारगेट मेटल ठीक है ना क्या होता है बताओ एक बार सर मतलब हाँ। तो, का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो मतलब जितना देर इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल के अंदर रहेगा या उसके पास रहेगा वो कंटिन्यूस डी एक्सेलरेशन रिसीव करता है इसी को हम लोग कंटिन्यूस एक्सरे कंटिन्यूस एक्सरे इसके पास नहीं इसके अंदर अब देखो इसका फायदा क्या है इसके अंदर क्यों पास रहेगा सर ये वैक्यूम है अभी आपने वैक्यूम बनाया इसको ये वैक्यूम था ना यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है समझ में आ रहा है अब समझ में आया वैक्यूम क्यों बनाया गया था क्योंकि सारा का सारा एनर्जी लॉस नहीं हो सारा का सारा एनर्जी टारगेट मेटल को ही मिले इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल को हीट करे बहुत ज्यादा एनर्जी से समझ में आ रहा है अगर कोई पूछ रहा है कि भाई वैक्यूम क्यों बनाया गया है यहाँ पे कुलिस ट्यूब में तो अपने को बताना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन किसी से टकराएगा नहीं तो एनर्जी लॉस नहीं होगी क्लियर okay. है जी और जब टारगेट मेटल में एंटर करेगा तो सर इसको कंटिन्यूस रेजिस्टेंस मिलेगा तो कंटिन्यूस डीएक्शन होगा इस प्रोसेस में जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है तो सर इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे ठीक है अब समझो इसका थी. कहानी जिधर से अपने को क्वेश्चन मिलेगा कि सर आपने मान लो इसको एक्सलरेट किया विनोट से तो ये एनर्जी आपने इस इलेक्ट्रॉन को दिया ना ठीक है ये एनर्जी सर दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है कहाँ कहाँ सर एक तो एनर्जी इसकी हीट में जा सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा ये जी और एक सर एक्सरे एक प्रोड्यूस करने में सही बात है सर जो भी एनर्जी है दो पार्ट में जा रही होगी एक तो हीट प्रोड्यूस में चला जा रहा होगा और एक एक्सरेज बनाने में एनर्जी जा रही होगी ठीक है जी। अगर मैं लू, ठीक है ना? अगर मैं लू, कि इफ ये है? ये है तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा ठीक है ओके। अगर मैं एजम्सन लू कि सारा का सारा एनर्जी एक्सरे बनाने में जा रहा है अगर मैं एजम्सन लू कि सारा का सारा एनर्जी कहा जा रहा है एक्सरे बनाने में जा रहा है कि ऑल एनर्जी कन्वर्टेड इन टू एक्सरे ऑल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू एक्सरे की जो भी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है सारा का सारा एक्सरे बनाने में खर्च हो रहा है ठीक है तो तुम क्या लिख सकते हो कि देखो सर इतना एनर्जी आपने उसको दिया और सारा का सारा ये बना रहा होगा एक्सरे तो एक्सरे से अगर मुझे एनर्जी पता करना है या फ्रिक्वेंसी मुझे पता करना है तो मैं ये लिख सकता हूँ एच एफ ठीक है और ये अगर बात करना है तो मैं बात सक, कर सकता हूँ कि सर एक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात कर सकता हूँ सारा का सारा एनर्जी किसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई हो रहा होगा या हाँ ना जी सर ठीक है तो यहाँ से देखो अपने को समझ में आएगा ये चीज इक्वेशन समझ में आएगी कैसे देखो यहाँ पे कि अगर मुझे सर लिखना है तो एफ को मैं सी बाई लिख सकता हूँ जी सर सर e आप एफ को सी वाई लेमडा लिख लो तो अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए मिनिमम वेबलेंथ होना minimum चाहिए lambda. ठीक है जी. तो यहां से अगर मिनिमम लेमडा की बात सर आप करोगे तो आपके पास आएगा एस सी अपॉन ई वी नॉट या ना जी, सर सर ये देखो आप एस सी बाई अपने को पता है क्या होता है तो वी नॉट क्या है ये भी बात अपने को पता है कि वी नॉट क्या होता है एक्सलरेटिंग वोल्टेज तो यहां से एक शानदार रिलेशन निकल के आ गया क्या सर जो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो किसके बराबर होगी सर अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी देखना है सर तो मैं डायरेक्ट इस पे कॉमेंट कर सकती हूँ कि सर जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो इनवर्स रिलेशन में होगा एक्सलरेटिंग वोल्टेज के जी सर यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें अच्छा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मिनिमम वेवलेंथ होगा सर मैं उसको डायरेक्ट कमेंट कर सकती हूँ वो इनवर्स रिलेशन में होगा एक्सलरेटिंग वोल्टेज के समझ में आया ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कंटिन्यूस एक्सरे पढ़ रहे हैं अभी ठीक है ना जी। तो कंटिन्यूस एक्सरे में जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम एक्सलरेटिंग वोल्टेज कितना अप्लाई कर रही हो अगर ज्यादा अप्लाई करोगी तो कम वेवलेंथ होगी और कम वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी होगा एनर्जी होगा है ना जी सर ठीक है ना तो ये ध्यान रखें इधर से आई के क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे ठीक है ठीक है अब देखो अगर इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाऊ ठीक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाऊ तो समझो क्या होता है ठीक है इस टाइप का तुम्हें आगे चले क्या ये इसको लिखना है तो इस टाइप का इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है ठीक है इस टाइप का मान लो अगर ये लेमडा हो गया और इस पे बना रहा हूं मैं इंटेंसिटी ठीक है इंटेंसिटी जी ये इंटेंसिटी किसका है एक्सरे का है ध्यान रखना सॉरी कंटिन्यूस एक्सरे का ठीक है का इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं ठीक है तो इस टाइप का कुछ ग्राफ तुम्हें दिखेगा जी सर ठीक है अब इस ग्राफ का मतलब समझो ये होता है लेमडा मिनिमम और लेमडा मिनिमम इसकी वैल्यू तुम बोल सकती हो एस सी बाई अभी तुमने निकाला है। क्लियर है? ये देखो एस सी बाई नॉट लेमडा मिनिमम तुम्हारे पास आ गया है ठीक है अब देखो ये ग्राफ बहुत काम की चीज है अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वो यहां पे कहीं आ रही है अगर तुम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करोगे मान लो ये आई मैक्स हो सकता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ इस रीजन में आती है ये जी। ठीक है इस वाले रीजन में आती है ठीक है देखो तुम्हें पता है कि लेमडा अगर कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा ठीक है ये बात आपने को पता है जी लेकिन जो कंटिन्यूस एक्सरे में इंटेंसिटी जो होगी वो कम वेवलेंथ पे <coughs> नहीं होगी या तुम ऐसा बोल सकती हो कि ज्यादा एनर्जी पे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं आएगी अब इस चीज को तुम्हें लॉजिकली समझना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग बोलते हैं मॉडरेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ठीक है मतलब जो मॉडरेट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है सबसे ज्यादा उन्हीं में इंटेंसिटी होता है बिल्कुल सही समझ रहे हो मॉडरेट एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं तुम लिख सकती हो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसा क्यों होता है ये काम की बात है ऐसा क्यों होता है मैं बोल रहा हूँ कि देखो सर लेमडा कम होगा तो ये तो बात होगा की जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी हाँ या ना जी सर तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी होता है बहुत ज्यादा एनर्जी जब होगा किसी इलेक्ट्रॉन के पास तो मान लो ये तुम्हारा टारगेट मेटल है ठीक है ना ये तुम्हारा मान लो मेटल है तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा जब एनर्जी होता है तो मैक्सिमम पार्ट इनका हीट लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मैक्सिमम पार्ट बहुत ज्यादा हीट में लॉस हो जाता है तो एक्सरे कम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स सर, सर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है बहुत ज्यादा एनर्जी है जिनके पास तो वो लोग क्या करते हैं हुँ. जब मेटल से टकराते हैं तो हीट लॉस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा एनर्जी है टकराया हाँ. तो हीट लॉस ज्यादा तो प्रोड्यूस करते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है जो एक्सरे की इंटेंसिटी होगी वो कम होगी अगर तुम इधर बात करोगी इस वाले की तो वेबलेंथ ज्यादा है तो ऑलरेडी इनके पास एनर्जी कम है तो ये तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे लेकिन मॉडरेट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इनके पास मीडियम एनर्जी होती okay. है तो मीडियम एनर्जी होती है तो इनका मैक्सिमम पार्ट एक्सरे बनाने में चला जाता है समझ में आ रहा है yes, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रीजन होता है ये रीजन होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी का यहाँ पे इसको मॉडरेट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं मॉडरेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंटेंसिटी और का जी सर ठीक है अब चलो आगे चलते हैं ठीक है थी. ये कंटिन्यूस हुआ कंटिन्यूस एक्सरे से प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है अब देखो कैरेक्ट्रिस्टिक एक्सरे की बात करेंगे थी. हम लोग एक्सरे okay. ठीक है ये देखो ये और आसान है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ठीक है इसकी कहानी ये है कि मान लो जो मेटल की बात करते थे टारगेट मेटल ठीक है ना टारगेट मेटल अगर मैं उसका न्यूक्लियस बनाऊ तो मान लो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होगा ठीक है ना न्यूक्लियस mm. टारगेट मेडल का न्यूक्लियस यहाँ पे ठीक है ना और अगर मैं देखूँ तो मान लो इस टाइप के इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है yes, yes, मान लो यहाँ से जो तुमने क्या बोलते हैं कि आ, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा ठीक है ना कोई मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया फिलामेंट से ठीक ना उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगा मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है ठीक है थे. फिलामेंट से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल में टकराएगा हाँ या ना जी. तभी एक्सरे बन बसे. रही थी अपने पास तो मान लो ये एनर्जी आके मेटल में टकरा रहा है ठीक है ना तो मान लो मेटल में जब टकराएगा ठीक है ना मान लो ये मेटल में टकराएगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज देखो हो सकता है कि बिना इस मेटल के अंदर बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना तो इलेक्ट्रॉन्स है तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहा है टकरा भी सकता है नहीं भी टकरा सकता है हाँ या ना पॉसिबिलिटीज हैं दोनों अगर नहीं टकराएगा तो किस टाइप के एक्सरे बनेगी कंटिन्यूस एक्सरे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको ठीक है ऐसा तुम सोच सकती हो अगर मान लो किसी केस में टकरा रहा है यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है मेटल का टारगेट मेटल का अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसको मैंने बोल दिया e1 और इसको बोल दिया मान लो e2 बोल दिया ठीक है e2 बोल दिया जी सर तो e1 बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है e2 कहां है इसके ग्राउंड स्टेट में है लेट से लेट से तो जब इसको okay. इससे टकराएगा e2 से तो e1 क्या कर देगा अपनी एनर्जी लॉस करेगा और इसमें ट्रांसफर कर देगा तो ये ट्रांसफर कर देगा ई में तो इसके पास जैसे एनर्जी मिला तो ये कूद के भागेगा भाई ग्राउंड स्टेट से कि भाई मेरे को एनर्जी मेरा मेरे को एनर्जी मिला चलो भागते हैं तो ये एनर्जी लेके ये कब हो रहा है जब टकराने की बात कर रहे हैं हम लोग है ना मान लो टकराया ये तो ई को एनर्जी मिला और ई कूद के कहा गया लेट से मान लो इस ऑर्बिट में आ गया तो मान लो इस ऑर्बिट में आ गया तो इस ऑर्बिट में मान लो इधर इधर कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे चारों तरफ तो इनको क्या दिखेगा अरे यार अरे यार चलो यहाँ पे क्या हुआ वैकेंट सीट खाली हुआ हाँ या ना? जी, तो वैकेंट जी, सीट खाली हुआ तो मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के इस वैकेंट सीट को अक कर रहा है मान लो ऐसा तो हो, तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटीज तो है ना भाई वहां पे सीट खाली है चलो हैं यार वहां पे तो मान लो कि किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूद के इस वैकेंसीट को खाली कर रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन कूद के नीचे आएगा तो क्या करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा ये हां ठीक है इसी रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सरे और ये किस टाइप का एक्सरे होगा भाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे समझ में आ रहा है जी सर कि फिलामेंट से सर कोई इलेक्ट्रॉन आया जब कॉलिजन हो रहा है तो मान लो सर कोई इलेक्ट्रॉन से ये टकरा गया ई वन तो उसको एनर्जी मिला सर एनर्जी लेके ऊपर कूद के जाएगा वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को लगे क्या यार वहां पे तो खाली हो गया जगह चलो दौड़ के चलते हैं तो जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएंगे तो एनर्जी का रेडिएशन होगा और जब एनर्जी का रेडिएशन होगा तो वहां से हम लोग एक्सरे देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर एक्सरे को क्या बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सिंपल अब देखो अब इसके आगे कहानी क्या है कि मान लो इस ऑर्बिट का हम लोग नाम देते हैं ठीक है ना इस ऑर्बिट का हम लोग नाम देते हैं मान लो इसको मैंने के दे दिया इसको एल दे दिया इसको एम दे दिया इसको एन दे दिया ऐसे सो ऑन हम लोग नाम देते हैं ठीक है ठीक है ना मान लो पहले को के बोल दिया दूसरे को एल तीसरे को एम चौथे को एन ऐसे हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिट का ठीक है तो ये देखो मान लो तुम्हें पता है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है मतलब मान लो इसको मैंने के बोल दिया तो यहाँ पे मान लो मैंने एल बना दिया ठीक है यहाँ पे मान लो मैंने एम बना दिया ठीक है यहाँ पे मान लो मैंने एन बना दिया ऐसे बनाते जाऊंगा मैं है ना ठीक है अब मान लो क्या कर लो अब मान लो ठीक है ना कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया के वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया ठीक है ना तो मान लो कि L का कोई इलेक्ट्रॉन कूद के आके के वाले वैकेंट सीट को ऑकुपाई कर रहा है हो सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब कूद के के पे आता है ठीक है तो इसका नाम हम लोग देते हैं के अल्फा ठीक है ठीक है मान लो यहां से एम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूद के आता है के में तो इसको नाम देते हैं के बीटा ठीक है ओके सर। और अगर मान लो एन से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ रहा है तो इसको क्या नाम देते हैं के, के गामा। गामा। ठीक है भाई के अल्फा क्या हुआ के अल्फा ये हुआ सर कि मान लो एल से ठीक है ना एल से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के के में आ रहा है उसको अल्फा बोलेंगे K M के अल्फा एम से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के में आ रहा है उसको के बीटा बोलते हैं और एन से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के K में आ रहा है इसको के गामा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं के सीरीज केसरी नहीं के सीरीज के सीरीज ठीक है ये तो प्रोनाउंस वैसे ही कर रहा है ना केसरी ठीक है तो ये सीरीज़ होता है ठीक है ना वैसे ही हम लोग एल सीरीज बना सकते हैं वैसे ही सीरीज़ बना सकते हैं तो सीरीज़ तक हम लोग जाते हैं तो मान लो यहाँ सेल्फा यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद के आ रहा है तो क्या बोलोगी एल बीटा और मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के, तो को तो के अगर यहाँ पे आएगा तो क्या बोलोगी एल गामा तो इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे एल सीरीज ठीक है जी सर तो ये अलग अलग नाम है इसके के सीरीज एल सीरीज ठीक है ना दो ही सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं मेनली मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहां से आता है और क्या आता है ठीक है अपने को फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए ठीक है तो एल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूद के ठीक है ना तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि सर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसको हम अल्फा बोलते हैं ऐसे तुम अपना लॉजिक बना सकती हो है ना जी जी सर है? तो ये जो एनर्जी है तो मान लो कि यहाँ से यहाँ पे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एल से कूद के के में आया ठीक है तो एनर्जी रेडिएट करेगा जी तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सरे ठीक है ये एक्सरे मुझे देगा जी ठीक है ना जी सर। अब देखो अब कितना एनर्जी देगा समझो ऑब्वियसली कितना एनर्जी देगा अपने को पता है H F. जी. कितना एनर्जी दे सकता है है ठीक ना और मान लो यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ से कूद के यहाँ पे आ रहा तो एक पर्टिकुलर नाम मैं दे सकता हूँ कि देखो सर ये फ्रीक्वेंसी है किसकी फ्रीक्वेंसी है के अल्फा की या ना जी सर ठीक है या सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मान लो सर आपको लिखना है तो आप लिख लो सर एससी बाय लैम्डा से भी लिख सकते हो अगर वेवलेंथ की बात करोगे सर ये फ्रीक्वेंसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है नहीं। सर, सर हां लैम्डा के अल्फा सर ये के अल्फा क्या हुआ के अल्फा ये हुआ कि इसके पास वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूद के के में आ रहा है जैसे पड़ोसी तुम्हारा कूद के एक घर मतलब बगल वाला कूद के तुम्हारे घर आ गया कूद के नहीं मतलब दरवाजे हाँ, से हाँ, गेट से आ गया गेट से तो उसको के अल्फा बोलेंगे ठीक है जी सर तो ये एनर्जी कितना होगा भाई सर ये एनर्जी उतना ही होगा जितने एनर्जी का गैप होगा हाँ या ना सर फाइनली कहाँ आया के वाले ऑर्बिट में पहले कहाँ था सर एल वाले ऑर्बिट में हाँ वाले तो ये एनर्जी में। का ऑर्बिट एनर्जी का जो गैप होगा वही एनर्जी का गैप सर एक्सरे की होगी सही बता रहा हूँ क्या मैं जी सर ठीक है ना तो सर अपने को अगर देखना है तो देखो सर यहाँ से मैं एक चीज देख सकता हूँ कि सर अगर वेवलैन तक आपको देखना है कि अगर के अल्फा का देखोगे तो सर आप ऐसे लिख सकते हो इसको एच सी अपॉन मान लो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का गैप एनर्जी का डिफरेंस हाँ या ना? ओ, ये सर। ना ये कोई बड़ी बात नहीं है तो ये मैं लिख सकता हूँ ठीक है अगर मैं ऊपर जाऊं ठीक है तो ये तुम्हें दिख रहा है कि सर जो वेवलेंथ हो रहा है वो वेवलेंथ तुम्हें दिख रहा है कि एनर्जी गैप के इनवर्स रिलेशन में आ रही ये तो है तो कांस्टेंट है ऊपर एस सी हाँ जी सर, तो यहाँ से मैं देख सकता हूं सर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहां से देख सकता हूं कि सर मान लो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं कि सर जो वेवलेंथ होगी जो वेवलेंथ होगी मान लो के अल्फा की वेवलेंथ सर लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर वन अपॉन एस सी मान लो कॉन्स्टेंट हो गया तो ये कहां से आ रहा होगा सर एनर्जी के में आ रहा है से से आ रहा है? से आ रहा रहा है है एल सर ऐसे ही सर अगर आप मुझे सर वेवलेंथ अगर बीटा के आप पूछोगे सर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये कहाँ से कहां आ रहा होगा सर ये आ रहा होगा के में से, और कहा ये मैं लिख सकता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है सर तो मोरे मेरे को जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है सर जो एनर्जी है ऐसे बोल सकते जो वेवलेंथ है वो है सर। एनर्जी के गैप के जी ये काम की चीज है जहां से अपने प्रक्षण को क्वेश्चन मिलेगा समझ में आ रहा है कि सर जो कैरेक्टरिस्टिक वेबलैंथ कैरेक्ट्रिस्टिक एक्सरे होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है वो इनवर्स रिलेशन में किसके रहेगी एनर्जी गैप के मान लो एनर्जी गैप ज्यादा तो सर वेबलेंथ कम ठीक कम. है अगर मान लो जैसे एक छोटा सा चीज देखोगे तुम मान लो सर एम से कोई इलेक्ट्रॉन के में जा रहा है तो इसका एनर्जी गैप ज्यादा है तो यहां से जो एनर्जी निकल रही होगी तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया लेकिन क्या हो हो एक्सरे की कम हो जाएगी. कम जाएगी हो होगी okay. और सर इसको हम लोग वैसे भी देख सकते हैं कि सर हमने पढ़ लिया है एटॉमिक सर तो ये जेड स्क्वायर के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं एनर्जी गैप को डायरेक्टली लो हम लोग तो सर यहां से मेरे को एक और चीज दिखा कि सर जो वेवलेंथ होगा किसका कैरेक्टरिस्टिक का ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं yes, कैरेक्टरिस्टिक एक्स वेवलेंथ होगी सर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर जी सर ठीक है तो एटॉमिक नंबर पे भी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ डिपेंड करती है ठीक है कौन सा कौन सा मेटल है ठीक है तो ये बात अपने को समझ में आ गया ठीक है कि जो वेवलेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो लेमडा होती है ठीक है ना किस पे डिपेंड करती है या तो जेड पे डिपेंड कर सकती है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर सकती है मेटल के या एनर्जी गैप गा। पे डिपेंड करती है ठीक है Okay. इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है देखो एक्सरसन रीजन में या तुम्हें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि तुम्हारी एक्सलरेटिंग वोल्टेज क्या थी नेवर डिपेंड एग्जैक्टली नेवर डिपेंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है कभी भी नहीं डिपेंड करती है एक्सलरेटिंग वोल्टेज पे लिख सकती हो तुम नॉट डिपेंडेंट जी एक मिनट लिख लेते नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सलरेटिंग वोल्टेज तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें मल्टी करेक्ट में दिखेगा लेकिन कंटिन्यूस एक्सरे की वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है एक्सलेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है हाँ या ना? जी जी सर ना? तो ये ध्यान रखना वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि तुम्हारी एटॉपिक नंबर क्या थी तो दोनों का अलग अलग फंडा है दोनों अलग से मतलब अलग से याद करना होगा कंपैरिजन में याद करना होगा। exactly. तो दोनों बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाई रे ऐसे चलती है कंटिन्यूस एक्सरे ये होती है ठीक है दोनों पता होना जी चाहिए, जी चाहिए जी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ठीक है कंटिन्यूस क्या था कि भाई टकरा रहा है कंटिन्यूस मेटल से जा रहा है तो कंटिन्यूस एक्सरे बनाएगा उसको मिल रहा है तो

ठीक है जी जी सर सर इतना समझ में आया क्योंकि मेन रिलेशन मैंने तुम्हें बता दिया कि लेमडा भाई अपॉन डेल्टा ई होता है एनर्जी गैप कम तो वेवलेंथ ज्यादा और वेवलेंथ ज्यादा हो गया वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो इसको के अल्फा बोलोगी जब कभी भी कंफ्यूजन हो सीधा ऐसे बना लेना के एल ऐसे एम एन ऐसे करके बना लेना तुम ठीक है तुम्हें दिख जाएगा सर अल्फा कैसे डिफाइन करते थे आपने जब बगल वाले एल से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के के में जाए ये के अल्फा होता था ना जी सर अब इसका कर्व देखो इम्पोर्टेंट है ठीक है ये मान लो मैं इंटेंसिटी बना रहा हूं और ये है तुम्हारा लेमडा वेव लेंथ ठीक है और ये है इंटेंसिटी इस इंटेंसिटी इस इंटेंसिटी में दोनों है दोनों कर्व एक साथ बना रहे हैं कंटिन्यूअस भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है जी सर तो ये नॉर्मल तुम्हें ग्राफ दे बोलेगा नहीं इस टाइप का ग्राफ तुम्हें देखेगा इसमें क्या है कंटिन्यूअस भी है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे दोनों है ठीक है ओके सर कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लिख देता हूँ तो तो सर continuous के के हिसाब से से तो पिछला वाला ग्राफ बनना चाहिए चाहिए मतलब वो कहीं, के, मतलब कहीं शुरू होना चाहिए। क्या बोल इस तो ग्राफ, ग्राफ, यही, यही ग्राफ, ग्राफ में दोनों एक्सरे तुम्हें दिखेंगे देखो कैसे बनेगा ये ग्राफ में चाहिए। चाहिए। वही ग्राफ होगा इसमें हल्का सा चेंज होगा देखो इस टाइप का ग्राफ बनता है मान लो यहाँ से शुरू हुआ हल्का सा स्पाइक जाता है फिर ऐसे आता है फिर मान लो ये आया ठीक है मतलब इसी टाइप का रहेगा ये ग्राफ थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा ठीक है इस टाइप का ग्राफ चलेगा ठीक है जी सर ठीक है अब ये तुम्हें पता है ये क्या है लेमडा मिनिमम है ठीक है जी सर और इसकी वैल्यू पता है तुम्हें एस सी वी नॉट ना जी. इस इंटेंसिटी और लेमडा कर्व में कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक्सरे हैं ठीक है थीके? अब जी, ये जी, देखो समझना है इस चीज को इसको मैं अब तुम इसका रीजन बताओगी ठीक है इसको मान लो मैं बोलूंगा के अल्फा इसको के बीटा वैसे इसको एल बीटा और एल अल्फा ऐसे चलेगा ये दिख रहा है क्या या और बड़ा बनाऊ नहीं नहीं दिख रहा है, सर, दिख रहा है। ठीक है? दिख रहा है अब ये बताओ सर ये आपको कैसे पता चला कि ये के अल्फा होगा सर और ये के बीटा होगा ये ये आपको कैसे पता चला पहले तो ग्राफ समझो कैसे हो रहा है ये देखो मेन कंटिन्यूस कर्व है बीच बीच में तुम्हें दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी अचानक से बढ़ गई है क्यों बढ़ गई है सुनो ये ग्राफ दिख रहा है तुम्हें

तो अचानक से एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कंटिन्यूस और एक, एक साथ बढ़ जाएगी इंटेंसिटी तो ज्यादा उसका एनर्जी बढ़ गया तो इंटेंसिटी अचानक से बढ़ जाएगी फिर मान लो जा रहा है आराम से 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 तो फिर से फिर इंटेंसिटी अपना नॉर्मल चलेगी अचानक से टकरा गया समझ में आ रहा है इसलिए बीच, बीच बीच में तुम्हें स्पाइक्स दिख रहा है स्पाइक्स क्या बता रहा है भाई कि उस उस पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी बन रही है कंटिन्यूस के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी बन रही है जी सर तो बताओ भाई बीच बीच में स्पाइक्स क्यों आ रहा ये, ओ, है ये लाइक एलिवेटेड क्यों है पे स्पाइक तुम्हें क्यों दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है पर अचानक से कोई मतलब कोई मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जा रहा है जिसका बन रहा है फिर वो वापस अपना है फिर अगर टकराएगा तो वापस कैरेक्टरिस्टिका हाँ मतलब ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को हम लोग के अल्फा बोलते हैं कि के अल्फा और के बीटा और एल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता, आता है ठीक है, या के, बीटा जिसके स्पाइक है? Uh, के अल्फा का लामडा बड़ा हो गया ना मतलब एनर्जी गैप छोटा होगा एग्जैक्टली exactly. सही सोच रहे हो तुम ठीक है सही सोच रहे हो कि सर ये देखो ये तो सर सिंपल है ये देखो अगर सर आप वेवलेंथ के अगर से कमेंट करना चाहते हो तो ऐसा कमेंट देख लो कि मान लो सर इसको लेमडा वन आप बोल दो और इसको लेमडा टू बोल दो ठीक है तो देखो लेमडा टू ज्यादा है लेमडा टू अगर सर ज्यादा है तो एनर्जी गैप कम होना चाहिए तो एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब क्या हुआ सर एल से के में जा रहा है उसके पास वाला आ रहा है उसके पास तभी तो एनर्जी गैप कम होगा हाँ या ना जी सर तो इसीलिए सर ये जो ज्यादा स्पाइक है ना सर ये अल्फा होगा के अल्फा होगा सर जी सर समझ में आया ना गुड जी ठीक है तो ये एक्सरे होती है उसकी कहानी क्वेश्चन तुम्हें इधर से मिलेगा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा भाई कंटिन्यूस एक्सरे से जो तुमने ये देखा कि लेमडा मिनिमम क्या होना चाहिए भाई वन अपॉन मतलब इनवर्स रिलेशन होना चाहिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ये ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए सर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है ये अपने को पता है भाई उसी में आती है के सीरीज एल सीरीज अल्फा बीटा गामा सर अपने को पता है क्या होता है ठीक है दो तीन चीज हमने सीखा सर. कि सर जो लैम्डा होता है वो एनर्जी गैप के साथ इनवर्स रिलेशन में चलता है या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर जो वेवलेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वो एटॉमिक नंबर के इनवर्स रिलेशन में चलती है आया ना जी उसके बाद सर जो आपने सर ये जो इंटेंसिटी और का जो कर बनाया होगा ज्यादा तो वेवलेंथ तो छोटी एनर्जी का डिफरेंस छोटी एनर्जी का डिफरेंस वो इसका मतलब है कि पड़ोसी मेरे पास आ रहा है हा या ना जी सर पड़ोसी तुम्हारे घर आ रहा है तो एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ ज्यादा होगा इसलिए ये के अल्फा होगा ठीक है जी सर ठीक अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज आता है जैसे मोजली एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं ठीक है मोजली एक्सपेरिमेंट ठीक। भी हाँ तो हाथ देख ही लेते हैं या आता है तुम्हें नहीं सर ओके चलो हाँ तो हाथ देख लेते हैं ठीक है मोजली ने क्या बताया मोजली एक्सपेरिमेंट ठीक है ये क्या होता है भाई इसने बोला कि भाई जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं जो एक्सरे निकल रही है ठीक है ना इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकले टकराया मेटल में एक्सरे बनी तो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सरे की एक्षरे. जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो बराबर होगा एक कांस्टेंट ए के और ये जेड माइनस बी ये मोजली का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था सर ए और बी क्या है ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है जेड क्या है सर पता है है एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर ठीक है जी सर ठीक है अब देखो ठीक है ना जेड माइनस बी को हम लोग बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव में भी तुम्हें पता हो जी सर पता है जी

इसको अगर तुम देखना चाहोगी तो अपने को पता है कि सर जो हमने एनर्जी पढ़ा था ठीक है ना जो हमने पढ़ा था एनर्जी वो क्या था अगर मैं डायरेक्ट लिख दू तो, तो समझ में आएगा यस सर जेड इफेक्टिव तुम्हें पता है आयुषी की क्या होता है जेड माइनस बी ठीक है ना ये जेड इफेक्टिव होता है जी ठीक है ना बी कैलकुलेशन अलग तरीके से चलेगा स्लेटर रूल से ठीक है उसमें अपन डीप में नहीं जाएंगे ठीक है तो मोजली से जो क्वेश्चन है ये तो एक एक्सप्रेशन ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ये जो कि तुम्हें पता है ठीक है और तुम्हें क्या आएगा कि बी का कैलकुलेशन आएगा जो तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा ठीक ना आप देखो यहाँ जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा हमेशा के अल्फा के बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे ठीक है के अल्फा का मतलब क्या हुआ सर कि ये जो एल था और ये जो आपका के था इसका मतलब है कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको के अल्फा बोलता हूँ ठीक है तो के अल्फा जी। के लिए जो बी की वैल्यू होती है ये वन होती है इसको अपने को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा अपन डेरिवेशन में नहीं जाएंगे ठीक है ना ओके सर स्लेटर रूल से अपन कैलकुलेट करेंगे ये सारे एक्सपेरिमेंट अपन करके अपन केवल क्वेश्चन लगाएंगे भाई यहीं से क्वेश्चन आएगा मैं बोल रहा हूँ के अल्फा के बारे में केवल तुमसे वो बात करेगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो जेड इफेक्टिव जैसे ही तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा जेड माइनस वन जी सर ठीक है और अभी तुमने देखा कि सर वन अपन लेमडा आर जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर था जी सर ठीक है तो मैं बोल सकता हूं कि सर वन अपन जो वेवलेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर होगा होल स्क्वायर

ठीक ये ध्यान रखना है मोजली के लिए ठीक है जी सर और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ठीक है ना अगर मुझे देखना है मान लो एक छोटी सी बात मैं तुम्हारे साथ कर लू मैं क्या लिख सकता हूँ सी बाई वन अपॉन लेमडा को एस सी बाई सी एफ लेमडा से सी इज टू एफ लेमडा से अगर तुम लिखना चाहती हो कहाँ गया है या? या तुम यहीं से देख, देख लो यहाँ से देख लो कहाँ गया रूट एफ ठीक है ये रूट एफ है तो मान लो इसको बोल दिया कि भाई थोड़ा मुझे प्लॉट कर दो रूट एफ और जेड का ग्राफ तो तुम्हें दिख रहा है रूट एफ और जेड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जी सर है ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जी 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 और जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस ए बी मतलब जी. नीचे की तरफ नेगेटिव वाई में ए बी होगा जी सर और स्लोप की वैल्यू ये हो जाएगी तो ये कोई अपने को बड़ी बात नहीं है है ना जी ठीक है तो ये ध्यान रखना है ठीक है मोजली में जो क्वेश्चन आएगा वन अपॉन लेमडा से ही क्वेश्चन आएगा जो भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा okay, ठीक है तो ये एक्सप्रेशन okay, ध्यान रखना है और अल्फा के लिए बात करेगा तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना कंपेयर करना है तो वन अपॉन लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर से तुम देख सकती हो कंपेयर कर सकती हो कंपेयर कर सकती हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं जी, तो ये मोजली में यहाँ से लो क्वेश्चन देगा ओके okay, तो सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो मान लो सर क्यू इजल टू लिख सकता हूँ जी तो सर अगर मुझे लिखना है तो एन इज इक्वल टू आई टी लिख सकता हूँ तो आई अपॉन ई कर सकता हूं सर ये पर सेकेंड की बात कर रहा हूँ hmm. वो कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें ये पांच किलो वोल्ट दे के ना बच्चों को क्या लगता है एक्सलरेट कराना चाहिए अपने को ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को ये पता है कि भाई ये करंट होता है और करंट क्या होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा hmm. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मैं करंट बोल हाँ। दूंगी और ऑलरेडी बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड की बात कर रहा है आसान था ये तो हां ना जी सर तो ऐसे डाटा आएंगे तो ऐसा नहीं कि सारा डाटा दिया हुआ है तो अपन यूज कर लें जो काम का होगा वही यूज करेंगे ना जी सर ठीक है ना तो ध्यान रखो चलो आगे चलते हैं ओके सर ये मान लो चलो इस क्वेश्चन को करो पहला क्वेश्चन करो सबसे पहले hmm. हमेशा दो वेवलेंथ बोलेगा कि भाई एक वेवलेंथ का फोटोन है एक वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली है ऐसा करके ये सब बातें करेगा वो वेवलेंथ दुनिया का कोई भी हो वेवलेंथ तो एक ही होता है था या ना कहीं कभी वेवलेंथ हो तो? वेवलेंथ तो एक ही होगा ना जिसका डायमेंशन l है ठीक है जी सर तो अगर देखो क्वेश्चन ट्राई कैसे करते हैं समझो मान लो अगर वेवलेंथ की बात कर रहा है ठीक है ना डी ब्रुगली ठीक है डी ब्रुगली लेमडा का तो ये लेमडा हम लोग यहां से यूज करेंगे ठीक है ना डी ब्रूगली की वेवलेंथ की अगर बात कर रहा है और अगर मान लो फोटोन की बात कर रहा है ना वो तो ये लेमडा हम लोग लिखेंगे ये एस सी एनर्जी दोनों लेमडा है सेम लेकिन लिखने का तरीका अलग होना चाहिए तो आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन okay. लेमडा है कुछ चेंज थोड़ी है दोनों वेवलेंथ ही है दोनों का डायमेंशन मीटर मतलब यूनिट मीटर ही है लिखने का तरीका अलग अलग होना चाहिए ठीक है तो अगर मुझे okay. देखना है तो ये देखो अगर लेमडा टू लिखूंगा तो लेमडा टू क्या बोल रहा है लेमडा टू आ, आ, वेवलेंथ ऑफ फोटोन ठीक है तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन अगर मुझे लिखना हुँ. है ठीक है ना तो मैं क्या लिख सकता हूँ टॉपिक नंबर ट्वेंटी नाइन है और मोलिबेडनम है जिसका टॉपिक नंबर फोर्टी टू है तो तुम्हें रेशियो बताना है ना ये कर लेना होगा एग्जेक्टली ठीक है ना तो मोजली से हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा r square, minus 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 n2 square, और जब अल्फा का बी okay. कैलकुलेट होगा हमेशा वन होगा इसका ध्यान रखना है प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे ठीक है ये, ये क्वेश्चन भी तुम कर सकती हो ठीक है चलो इसको थोड़ा एक बार करके देखो इस क्वेश्चन को करके देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक्सरे से रिलेटेड अभी जो हमने प्रोड्यूस किया था कंटिन्यूअस एक्सरे ठीक है ना कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे और कौन से क्वेश्चन गलत होंगे मतलब ऑप्शन क्वांटम का मतलब क्या हुआ मॉडर्न फिजिक्स की बात हो रही है तो दिल्ली इसको मैच नहीं कर रहा बात सही है दिल्ली सही है बट इस क्वेश्चन के लिए उसका ऑप्शन नहीं होगा वो ठीक है चेन्नई भी सही है चेन्नई कैसे सही है ये कैसे और... पता चल रहा है आपको कि चेन्नई सही है चेन्नई इसलिए सही है कि पी जब होता था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत कम समय के लिए होता था तो माइनस 9 के ऑर्डर का होता है ठीक है ना

तो चेन्नई भी सही है okay. आया ना हम्म जी सर ठीक है हुँ? Hmm? एक चीज तुम बताओ कि इसका मतलब क्या है ये पोटेंशियल लगाया है और ये पोटेंशियल तुम्हें दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है ये ठीक है ना हुँ? Uh -huh. ये नहीं दिखती क्या तुम्हें नहीं हम ध्यान नहीं दिए तो उस पर यही तो ध्यान देने वाला बात है देखो ये बोल क्या रहा है ये कि भाई एनर्जी फॉल हो रहा है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा लेकिन अब देखो यहाँ से, से जो इलेक, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इजेक्ट हो रहा होगा ना जो एनोड की तरफ आ रहा होगा कलेक्टर प्लेट की तरफ जी सर तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल उसको एक्सलेट कर रहा होगा समझ में आ रहा है तो अब देखो जब तुम काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना वो क्या लिखोगी कि सर एस बाय लैम्डा फॉल हुआ उसमें से सर कुछ वर्क फंक्शन हटा दो ये काइनेटिक एनर्जी होगा निकलने वाले इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का लेकिन इस पॉजिटिव टर्मिनल प्लस करना होगा ईवी प्लस करना होगा ईवी यही तो सोचना था अगर इतना सोच लिया तो फिर क्वेश्चन निकल गया ठीक है और जो डीप रुगली वेवलेंथ होगा वो अपने को पता है सर एच अपॉन क्या होगा स्क्वायर रूट टू एम -E. यानी काइनेटिक एनर्जी ये वाला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसी यही मिल रहा है ना भाई इलेक्ट्रॉन्स को ओके सर तो यहां से तुम क्या करोगी एच अपॉन स्क्वायर रूट टू ब्रैकेट एससी बाय लैम्डा पीएच माइनस फाइव प्लस ईवी ये तुम्हारे पास फॉर्मेट आ गया है ना जी सर अब देखो डायरेक्ट तुम कोई भी ऑप्शन नहीं बता सकती बॉम्बे चेक करोगे गलत हो जाएगा अब ये देखो ये क्या बोल रहा है इसका यूज को रहा है सर डी का तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है कोई रिलेशन ही नहीं है डी का तो, तो रिलेशन ही नहीं है तो हां आप देखो इसका यूज क्या बोल रहा है ग्रेटर देन बहुत ज्यादा है पोटेंशियल ठीक है तो जब बहुत ज्यादा होगा पोटेंशियल तो अप्रोक्सिमेशन तो 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 तुम यूज करोगी हाँ या ना तो पोटेंशियल को ही मानेंगे सर केवल के पोटेंशियल मानोगी सारा का सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहा है भाई ये जी ना तो सारा का सारा तुम्हारे पास सीधा ये आएगा इससे कंपेयर करना पड़ेगा तुम्हें जी सर ठीक है ना तो अगर चार टाइम्स फोर टाइम्स कर दोगे तो हाफ तो में दिख जाएगा आया समझ में ये अच्छा क्वेश्चन था ये मतलब जी सर गुड क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकती हो पूछा गया था ये थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन सी यू नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर थैंक यू एंजॉय